हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट इन केस ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि कुछ सोशल पर्पस को सॉल्व करने के लिए, जैसे गरीबों का मदद करने के लिए, जो गरीब आदमी है उसको वो सपोज दवाई नहीं खरीद पा रहा है, उसका तबीयत खराब है तो दवाई खरीद के देगा, ठंड में कंबल का बंदोबस्त करेगा, तो बहुत सारा सोशल पर्पस, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ठीक है, क्लब्स वगैरह, बहुत सारे क्लब्स वगैरह एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, तो एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो अ पर्पस। शिक्षा, एडुकेशन, ठीक है, हेल्थ, ये सब इन लोगों का प्रायोरिटी है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं रिसीट। ये लोग तीन अकाउंट, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग तीन अकाउंट बनाते हैं। एक आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो हम लोग आज के क्लास में स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर, किस तरीके से ये लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बेसिक फॉर्मेट है, ये एग्जैक्टली लाइक कैशबुक के तरह दिखता है। रिसीट साइड मतलब पैसा जहाँ जहाँ से आ रहा है आप उसको शो करोगे ऑन द रिसीट साइड, और जहाँ जहाँ से आपको पेमेंट करने हैं उन चीज़ों को आप शो करोगे ऑन द पेमेंट साइड। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर द रिसीट्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर माइट बी सम ओपनिंग बैलेंस, कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। जैसे ईयर के स्टार्टिंग में, जनरली ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को ईयर खत्म होता है। तो 1 अप्रैल को जिस दिन ईयर स्टार्ट हो रहा है उसी दिन सपोज कोई क्लब के पास कोई कैश इन हैंड पहले से पड़ा हुआ है या कैश एडवांस पहले से है, तो हम लोग उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी को, जिसमें हम लोग दिखाएंगे कैश इन हैंड और साथ में दिखाएंगे कैश एट बैंक। इसके अलावा हम लोग रेंट ऑफ हॉल, जैसे ये जो क्लब्स वगैरह होते हैं, देखिएगा इनके पास हो सकता है बड़ा सा एक जगह होगा, खाली जगह होगा, हॉल टाइप का होता है, तो ये लोग मैरिज एंड मैरिज सेरेमनीज के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए ये लोग हॉल्स को क्या करते हैं, हो सकता है रेंट पे देते हैं। तो जो रेंट इनको मिलता होगा फ्रॉम हॉल्स एक्सेट्रा, उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हो। इसके अलावा जो क्लब्स होते हैं इनके मेंबर्स होते हैं, हर साल ये लोग मेंबरशिप का फीस पेमेंट करता है, एनुअल मेंबरशिप फीस हम लोग इसको बोलते हैं। अकाउंट्स में इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। तो जो जो मेंबर से सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, यानी कि मेंबरशिप फीस का पेमेंट मिल गया, उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, टू सब्सक्रिप्शंस एनुअल मेंबरशिप फीस। इसके अलावा लॉकर रेंट रिसीट, जो लॉकर रेंट, ठीक है, ये लोग के पास हो सकता है लॉकर फैसिलिटीज होगा, तो लॉकर ये लोग अपने मेंबर्स को यूज़ करने के लिए देते हैं एट अ वेरी नॉमिनल चार्ज। तो जो चार्ज ये लोग कलेक्ट करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लॉकर रेंट रिसीट। अच्छा, इसके अलावा इन लोगों को डोनेशंस मिलते हैं बहुत सारे आउटसाइडर से, ठीक है, हैवी डोनेशंस मिलते हैं, तो डोनेशंस का पैसा यहाँ पे हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट से भी हो सकता है सोशल कॉज के लिए इनको सब्सिडीज वगैरह मिला, ग्रांट्स वगैरह मिला, ठीक है, सब्सिडीज हो गया, ग्रांट्स हो गया, ये सब चीज़ अगर मिलता है तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। और हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज, ग्रांट्स, ये सब उन लोगों को दिखाना होगा। इसके अलावा एंट्रेंस फीस, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति किसी क्लब में मेंबरशिप लेने के लिए आता है तो वो एक एडमिशन फीस तरह का टाइप का एक पेमेंट करता है, या तो इसको डायरेक्ट एडमिशन फीस आप बोल सकते हो, कोई कोई क्लब इसको बोलता है एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस इन लोगों का रिसीट साइड में हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। कुछ कुछ मेंबर्स हो सकता है बोल सकते हैं कि हम पूरे लाइफ लॉन्ग मेंबर बने रहना चाहते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति लाइफ लॉन्ग मेंबर बना रहना चाहता है तो वो पे करता है उसके बदले में लाइफ मेंबरशिप फीस। तो उसका एक बार ये फीस लमसम अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, अगर आप दे दीजिएगा तो आप किसी भी क्लब का मेंबरशिप जिंदगी भर आप इंजॉय करते रहिएगा, उसका जो भी सर्विसेज हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं पूरे लाइफ लॉन्ग। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ टिकट्स। ये देखिए होता क्या है, जैसे बड़े बड़े जो क्लब्स होते हैं ये लोग साल में एक बार
31 दिसंबर को हो सकता है बड़ा सा कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज किया, कोई मान लीजिए कि कुछ शोज वगैरह ऑर्गेनाइज किया, बाहर से कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, तो उसका टिकट्स ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्केट में सेल करते हैं ताकि और भी लोग ये इस चीज़ को विटनेस कर सकें, देख सकें, तो यहाँ से भी इन लोगों का कमाई हो सकता है। इसके अलावा ये लोग अखबार हो सकता है छाप सकते हैं, तो अगर ये लोग खुद का इनका खुद का अखबार है इन क्लब्स का, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, तो फिर अखबार बेच करके जो पैसा मिलेगा उसको भी हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। इसके अलावा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, मान लीजिए कि किसी एक क्लब के पास ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो क्लब चाहता है कि हम अपनी तिजोरी में नहीं रख करके इस पैसे को जाकर के किसी बैंक में FD करा दिए, फिक्स डिपॉजिट्स करा दिए, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, या कोई किसी व्यक्ति को लोन दे दिए, तो ऑल दीज थिंग्स आर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है या फिर डिविडेंड भी मिल सकता है। डिविडेंड मतलब अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो जिस कंपनी का आप शेयर खरीदोगे वो शेयर से आपको मिलेगा डिविडेंड, विच इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये सब भी इनका अच्छा खासा एक रिसीट्स होता है। इसके अलावा लेगेसीज, लेगेसीज का मतलब क्या हुआ, लेगेसीज का मतलब होता है विरासत में मिला हुआ धनराशि को यहाँ पे लेगेसीज बोला जाता है। तो क्लब के केस में जो लैंड हो गया या जो स्टार्टिंग का जो प्रॉपर्टीज होता है, लैंड मीन मेनली द लैंड एंड द बिल्डिंग, ठीक है, जिसको रिनोवेट करके क्लब का ऑफिस बनता है तो या ट्रस्ट का ऑफिस बनता है, तो उस जगह को कोई ना कोई फाउंडर मेंबर डायरेक्ट डोनेट कर देता है, साथ में ढेर सारा कैश अमाउंट धनराशि भी देता है जिससे कि आप अपने इसको सेटअप कर सकते हो, आप अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हो। जो फाउंडर मेंबर से मिला हुआ जो धनराशि है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द लेगेसी। ये सब कैपिटल रिसीट्स होते हैं, डीज रे लेगेसीज हो गया आपका, तो उसके बाद से लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, दीज आर द कैपिटल रिसीट्स, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा होता है और इसको जनरली हम लोग डायरेक्टली ले जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है, यू विल कैरी इट टू द बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, तो ये जो आपका लेगेसीज हो गया, फिर आपका जो लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट्स, इसको आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसके अलावा अब आप यहाँ पे लेगेसीज के अलावा आपका जो भी स्पेशल फंड से जो जो पैसा मिला, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कुछ इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज हो सकता है क्लब किया होगा, उसमें प्राइस रखा होगा कि जो फर्स्ट आएगा उस इवेंट में, ठीक है, उसको हम इतना प्राइस देंगे, तो वहाँ से भी जो फंड से उस प्राइस फंड से जो पैसा आएगा उसको हम लोग उसके लिए लोग पैसा देते हैं इवेंट्स के लिए, तो वो पैसा प्राइस फंड में यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा मैच फंड से मिलने वाला पैसा, ये सारा हम लोग को शो करना पड़ेगा ऑन द रिसीव साइड। इसके अलावा अब हम लोग पेमेंट साइड में आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द पेमेंट साइड मैं मेनली पेमेंट्स को दो पार्ट में बांटा हूँ, वन इज कॉल्ड एज द रेवेन्यू पेमेंट्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द कैपिटल पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स वो होता है जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हो, इसका अमाउंट रिकरिंग नेचर का होता है, हर साल होता है और छोटा अमाउंट होता है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, जैसे सैलरी देना है स्टाफ को, वेजेस का पेमेंट करना है वर्कर लोगों को, ये सब, तो ये रिकरिंग नेचर के पेमेंट्स होते हैं। तो जो रिकरिंग नेचर के पेमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ पे एज अ रेवेन्यू पेमेंट्स आप पेमेंट साइड में आप शो कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग शो करेंगे, आप देख सकते हैं बाई सैलरीज एंड वेजेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसके अलावा आपका हो जाएगा इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा, म्यूनिसिपल टैक्सेस का पैसा, ऑल दीज पेमेंट्स विल बी कंसिडर्ड। इसके अलावा कैपिटल पेमेंट्स भी होते हैं, कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स का अंतर रिकरिंग नेचर को लेकर के होता है। जो रिकरिंग नेचर के होते हैं वो हो गया रेवेन्यू पेमेंट्स, जो बार बार हर साल हर महीना आपको पे करना होगा, और जो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ने पे जो खर्चा करना होगा उसको, और बड़ा अमाउंट का होता है, जनरली ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, काफ़ी लंबे समय तक इस बेनिफिट मतलब इस पेमेंट्स का आपको जिसका लाभ मिलता जाएगा वो हो गया कैपिटल पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट से आपको लंबे समय तक आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको करेंट ईयर में जैसे आप सैलरी का पेमेंट दिए तो आपको कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको 20 साल के लिए मिल जाएगा,
जिस साल के लिए आप सैलरी का पेमेंट करोगे बस उसी साल उसका बेनिफिट कंज्यूम हो जाएगा आपको। लेकिन कैपिटल पेमेंट्स बड़े पेमेंट्स होते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ईयर्स तक, काफ़ी ज़्यादा समय तक आपको इसका बेनिफिट्स मिलता चला जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल पेमेंट्स में। तो कैपिटल पेमेंट्स में आप देख सकते हो बड़ा बड़ा पेमेंट्स है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लैंड, उसके अलावा बुक्स, ठीक है, बुक्स खरीदे हैं, उसके अलावा फर्नीचर, बैलेंस सीडी, ठीक है, जो बच जाएगा उसको हम लोग बैलेंस सीडी बोलेंगे, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। हाँ दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो रेवेन्यू पेमेंट्स हैं वे ऑलवेज गो टू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड को जाकर के आपको रिकॉर्ड करना होगा, और जो कैपिटल पेमेंट्स हैं, ठीक है, ये चला जाएगा डायरेक्टली बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लास्ट में देखा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर रहा हूँ, जो बैलेंस सीडी, ठीक है, जो भी बैलेंस सीडी है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब है। ये निकलेगा कैसे, आपको रिसीट साइड का टोटल करना होगा, फिर पेमेंट साइड का टोटल करना होगा, रिसीट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड के टोटल को माइनस करना होगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका बैलेंस सीडी, ठीक है। तो इट इज द एक्सेस ऑफ रिसीट टोटल ओवर द पेमेंट टोटल। आई थिंक द वीडियो इज क्वाइट क्लियर। तो हम लोग अब क्वेश्चंस सॉल्विंग के पे हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, मैं इस क्वेश्चन को आपको रीड करके सुना रहा हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑफ द लाइब्रेरी फॉर द ईयर 2015-16। तो करंट ईयर है 2015-16, लेकिन अगर 2015-16 में कोई भी अमाउंट, चाहे वो 15-16 से रिलेटेड हो या कोई और ईयर से रिलेटेड हो, वो अगर मिला होगा या आपने पे किया होगा, आपको उसको रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ईयर से हम लोग कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है, रिसीट पेमेंट अकाउंट में। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर इन द अकाउंट्स ऑफ लाइब्रेरी। कैश बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 4,000 रुपीज, एंट्री फी रिसीव्ड इन 2015-16 600 रुपीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2015-16 1,000 रुपीज, फॉर 2014-15 ड्यूरिंग 2015-16 200। दोस्तों इस चीज़ को बहुत गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14-15 का पैसा कुछ बाकी था, उसको 15-16 में जो लाइब्रेरी है उसको मिला 200 रुपया। तो हम लोग को रिसीट पेमेंट अकाउंट में किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, हम लोग कोई ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम लोगों को सारा चीज़ यहाँ पे दिखाना रहता है। हाँ दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेंट पेड ड्यूरिंग 2015-16 150, बुक्स परचेज 1100, न्यूज़पेपर्स परचेज 500, सैलरीज 500 पेड। तो लेट अस नाउ डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड सी हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में रिसीट साइड में हम लोग टू बैलेंस पीडी लिखेंगे, जो भी ओपनिंग कैश बैलेंस था उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। टू बैलेंस पीडी में कैश बैलेंस 4,000 रुपये, एंट्री फी मिला था 600 रुपये का, क्वेश्चन में देखते हैं। सब्सक्रिप्शन दो अलग अलग ईयर से रिलेटेड था, हमको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ऐड करके दिखा दिया जाएगा। तो 2014-15 में 200 रुपये उसका बाकी था होगा 14-15 का, जो कि 15-16 में मिला, इसको भी लेंगे। 15-16 का जो अमाउंट मिला है उसको तो लेना ही है, तो 1000, तो 200 और 1000 दोनों ऐड करके आ जाएगा 1200। तो 4000, 1200 और 600 सब टोटल हो करके आ जाएगा डेबिट साइड में 5800। अब आप क्रेडिट साइड में देखिए, रेंट का पेमेंट हुआ है 150 रुपया, बुक्स हम लोगों ने परचेज किया है 1100 रुपया का, न्यूज़पेपर खरीदने हैं 500 रुपया का, सैलरी पेड हो गया है 500 रुपया का। तो आप देखिए जहाँ जहाँ पेड बोल रहा है, परचेज बोल रहा है, उसको मैं पेमेंट साइड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ परचेज करिएगा तो आपको पैसा देना होगा, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है। अब टोटल करिए इन सबको, तो टोटल विल बी 2250। तो क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है, डेबिट साइड का बड़ा है,
तो जो बड़ा टोटल होगा उसमें से छोटे वाले टोटल को माइनस कर देंगे, तो 5,800 माइनस 2,250 अमाउंट इज 3,550। ये जो 3,550 है ये हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी कैश इन हैंड 3,550। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। हम लोग और भी क्वेश्चंस बनाएंगे टाइम टू टाइम। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।